बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं और लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था। अगर ये चीज़ आप थोड़ी सी देर के लिए पहले चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारी दुआ है कि आपका ज़रूर इस साल एडमिशन हो। अल्लाह करे कि आपका इसी साल एडमिशन हो और आप डॉक्टर बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ज़रूर एडमिशन होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर पहले बात कर लेते हैं केई की। केई की पहले बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, ओपन मेरिट पे सीट्स कितनी हैं, डिसेबल्ड पर्सन के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे पहले चेक कर लें और लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था। तो बात करते हैं जी, यहाँ पे पहले छः कैटेगरीज हैं हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन मेरिट सीट्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट सीट्स, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि रेसिप्रोकल, इसी तरह से नॉर्दर्न एरियाज़, फिर डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स अंडर पाकिस्तान, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी यहाँ पे सीट्स रखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ओपन मेरिट सीट्स हमारे पास केई में कितनी है, 310। ये मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, 310 सीटें हैं। इसी तरह से फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट सीट्स कितनी हैं जी, 2, 1, 3, 5, 4। ये आप यहाँ से तरतीब देख सकते हैं। तो अगर हम इनको एड अप करें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बनती हैं केई की, वो बनती हैं 325, क्योंकि 310 तो ये हो गया ना। तो इनको ऐड करें तो ये हमारे पास कितनी बनती हैं, 15। तो 15 प्लस 310 325, यानी कि 325 हमारे पास टोटल सीट्स बनती हैं। सही है। अब हमारे पास केई का लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मेरिट था वो कितना था, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। डेस्ट पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, 93.6%। आगे एक दो फिगर्स होंगे लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, 93.6% जो है ये लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था, यानी कि जिस स्टूडेंट का इतना एग्रीगेट बन रहा था उसका केई में एडमिशन हो गया था। ठीक है जी, तो ये थी केई की स्टोरी। अब आ जाते हैं जी, और हमारे पास यहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेजेस के नाम मैंने मेंशन किए हैं। अदरवाइज़ अगर आप UHS की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो आपको हर एक मेडिकल कॉलेज की टोटल नंबर ऑफ सीट्स का भी पता चल जाएगा और लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल सीट्स आपको बता रहा हूँ, उसमें फिर ओपन मेरिट सीट्स होंगे 5-6, उसमें से निकाल लेंगे इन कैटेगरीज के लिए, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको टोटल यहाँ पे बता देता हूँ, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जो टोटल सीट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो हैं 325। इसकी भी टोटल सीट्स कितनी है, 325, और लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था, 92.918%। तो क्लोजिंग मेरिट को अगर आप देखते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। और इस बार कितने मार्क्स आए हैं, किस तरह का पेपर था, FSC के कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा मेरिट इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है जी, उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल अगर कॉलेज की बात करें तो लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था 92.318%, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जी हमारे पास 350। ठीक है, अब उसके बाद जी निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था 92.19%, और इसमें हमारे पास 300 टोटल सीट्स होंगी। ठीक है जी, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम इसका क्लोजिंग मेरिट क्या था, 91.43%, और इसके अंदर टोटल सीट्स थी हमारे पास टोटल 325। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज की तो लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था, 91.57%, और इसमें हमारे पास जो टोटल सीट्स थी वो थी जी 300। सही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये है 220, और इसी तरह सरगोधा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये उसका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था और इसमें टोटल हमारे पास सीट्स थी 120। इसी के साथ साथ साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये उसका क्लोजिंग मेरिट और इसमें भी 120 ही नंबर ऑफ सीट्स थी। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां की बात करें तो 160 टोटल हमारे पास सीट्स थी और इसका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट क्या था, 91.154%। अब इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको आप चेक करना चाहें तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी कहानी समझानी थी, बतानी थी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं। अब बात करते हैं जी ओवरसीज़ MBBS कोटा, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनके अंदर जो ओवरसीज़ MBBS कोटा के लिए सीट्स रखी जाती हैं वो हैं हमारे पास, टोटल की बात कर रहा हूँ ओपन मेरिट पर, वो हमारे पास है 62।
सही है जी। इसी तरह रेसिप्रोकल कोटा, MBBS जितने भी कॉलेजेस हैं उन तमाम की टोटल करके ऊपर मैट पे बता रहा हूँ, वो है जी हमारे पास 14। इसी तरह फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंडर डेवलप MBBS कोटा 54। अच्छा, इनके साथ ये लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट भी देखिएगा, यानी कि आप जो ओवरसीज MBBS कोटा का लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था वो था 84.659%। ये मेरिट भी लाजमी जहन में रखिएगा, सीट्स पे ज़रूर गौर करना है लेकिन ये मेरिट भी देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, चौलिस्तान MBBS कोटा सिर्फ एक ही सीट है और ये भी होगी सिर्फ शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां में, एक ही सीट होगी और इसका लास्ट टाइम मेरिट क्या था, क्लोजिंग मेरिट 91.004%, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास ओवरसीज BDS कोटा, उसके लिए चार सीटें हैं और लास्ट टाइम मेरिट क्या था जी, क्लोजिंग मेरिट 83.931%। तो ये थोड़ी सी सिर्फ चीज़ बताने का मकसद ये था कि आपने इन चीज़ों को ज़रूर एक दफ़ा बैठ के चेक कर लेना है, वेबसाइट पे जाके डिटेल में हर एक चीज़ चेक कर लें। इसी तरह सिंध वाले भी बैठ के चेक कर सकते हैं, KPK वाले भी चेक कर सकते हैं और UHS पंजाब वाले भी बैठ के चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो आपको टेंशन है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सारी टेंशन इसी तरह से दूर होगी जब आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे। हमारी तो दुआ है कि जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, अल्लाह करे कि उनका इसी साल एडमिशन हो जाए और वो डॉक्टर बन जाए। इंशाल्लाह आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।